So today we are going to understand the concept of a Kruskal algorithm. Kruskal algorithm is a minimum spanning tree algorithm which finds the edge which has the least possible weight which is going to connect any two vertex. So Kruskal algorithm is also known as a minimum spanning tree algorithm. This Kruskal algorithm falls under a class of algorithm called as greedy algorithms. How we are going to solve this Kruskal algorithm? We have to start from the edge, that is, which is going to be the lowest weight, and we are going to keep adding that edge until we reach our goal. So the step for implementing a Kruskal algorithm are as follow. You have to sort all the edges from low weight to high. आपको एक ग्राफ दिया गया होगा और उस ग्राफ पे कुछ वेट होंगे. So we have to sort the edges from the low weight to high. Then we have to take the edge with the lowest weight and add it to the spanning tree. If adding the edge will going to create a cycle, then you have to reject that edge. अगर वो कोई cycle बनाता है, so you have to reject that edge. So you have to keep adding the edge until we reach all the edges, or you can say that until we reach our goal. So let's understand this concept with the help of this diagram. तो मेरे पास एक ग्राफ है और ये जो मेरा ग्राफ है अनडायरेक्टेड ग्राफ है और वेटेड ग्राफ है. हर एक एज के ऊपर आपको देख सकता है एक वेट होगा. सो नाउ दिस ग्राफ एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ 9 वर्टिसेस. अगर आप काउंट करो तो 0 से स्टार्ट है और 9 तक ये वर्टिसेस जा रही हैं. ओके, सो लेट्स से जो मैक्सिमम मेरी एजेस हैं वो है 8 तक. तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में वी हैव द 9 वर्टिसेस एंड 14 एजेस. अगर मैं काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, वी हैव अ 14 एजेस इन दिस ग्राफ. सो द मिनिमम स्पैनिंग ट्री फॉर्मड विल बी हैविंग 9 माइनस 1 8 एजेस. मतलब जो आपका फाइनल एक ग्राफ बनेगा उसके पास कितनी एजेस होंगी? 8 एजेस होंगी. सो चलो देखते हैं. तो पहला स्टेप क्या है? वी आर गोइंग टू सॉर्ट ऑल द एजेस फ्रॉम लो वेट टू हाई. फॉर दिस यू हैव टू क्रिएट अ ग्राफ समवर लाइक दिस. आपको इस तरीके का एक स्पैनिंग ट्री बनाना पड़ेगा. आप यहाँ पर लिखोगे वेट सोर्स एंड डेस्टिनेशन. सो यू हैव टू सिलेक्ट द वेट विच इज द मिनिमम वेट. तो मिनिमम वेट है मेरा 7 to 6. तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि दैट 7 to 6 हैज अ मिनिमम वेट. इसी अकॉर्डिंग करके मैंने सबकी एजेस लिख दिए, मतलब सबके वेट लिख दिए, उनकी सोर्स नोड लिख दिया, उनकी डेस्टिनेशन नोड लिख दिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्रिएटिंग अ Kruskal ग्राफ. वो किस तरीके से बनाएंगे? सो लेट्स से आई एम गोइंग टू पिक एन एज 7 to 6. ये 7 to 6 मैंने एज क्यों लिया? क्योंकि इसका सबसे मिनिमम वेट है 7, वेट है 1. तो आई एम गोइंग टू इंक्लूड दिस इनटू माय ग्राफ. 7 to 6 मैंने डलवा दी. इसके बाद मैं देखता हूँ कि नेक्स्ट सबसे लीस्ट वेट किसका था? 2. और वो एज थी मेरी 8 से लेके 2. तो वट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज इसको भी मैं इंक्लूड करा दूंगा मेरे ग्राफ में. इसके बाद मैं देखूंगा 6 to 5, क्योंकि 6 to 5 का जो मेरे पास था वो आया था 2. मिनिमम एज था. आप 6 to 5 पहले भी ले सकते थे, 8 to 2 आप बाद में भी ले सकते थे, वो भी प्रॉब्लम नहीं है. इसके बाद वी आर गोइंग टू पिक एन एज 0 to 1. हम ये भी चेक करेंगे कोई साइकिल तो नहीं बन रही. अगर नहीं बन रही सो वी आर गोइंग टू इंक्लूड दिस. तो मैंने 0 1 भी इंक्लूड करा लिया अपने ग्राफ में. द नेक्स्ट स्टेप किस पे है? 2 से लेके 5 पे. 2 to 5 का जो मिनिमम मेरा वेट था वो था मेरा 4. तो मैंने ये भी इंक्लूड करा लिया अपने ग्राफ में और कोई साइकिल नहीं बनी. इसके बाद आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ 8 to 6. तो 8 to 6 का अगर मैं आपको मिनिमम वेट दिखाऊं तो वो है 6. बट इंक्लूडिंग दिस विल क्रिएट अ ग्राफ. अगर मैं यहाँ से 8 से 6 में इंक्लूड करा दूँ तो इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ साइकिल. तो ये हम कर देंगे इग्नोर. नेक्स्ट स्टेप इज टू वी आर गोइंग टू पिक एन एच 2.3. तो लेट्स से 2 से 3 मैंने एक एज ले लिया जिसका मिनिमम वेट है 7. कोई ग्राफ नहीं बन रहा, इसको मैंने करा दिया इंक्लूड. नाउ वी आर गोइंग टू पिक एन एज 7 to 8, सिंस दिस विल गोइंग टू क्रिएट अ साइकिल. तो देख लेते हैं, अगर हम 7 से 8 को इंक्लूड कराऊं तो दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ साइकिल. सो वी आर गोइंग टू डिस्कार्ड दिस ग्राफ. सॉरी, इस वाली नोट को हम डिस्कार्ड कर देंगे. देन वी हैव we are going to pick an edge 0 to 7, no cycle is formed, we are going to include this. Finally, we are going to discard this 1 से 2, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे इंक्लूड करा दूँ 1 से लेके 2 पे, सो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ साइकिल. तो आई एम गोइंग टू डिस्कार्ड दिस.
फिर मैंने सेलेक्ट कर ली 3 to 4 और मैंने इसको बना दिया, और इसका वेट मैंने लिख दिया है 9 to 2, जो इसका आपका वेट है 3 से 4 का 9. सो फाइनली आपके पास कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री मतलब बनाएगा. सेलेक्ट से मैं इस पर कैलकुलेट करूँ तो मेरे पास 8 एज होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, तो समझ में आ गया वो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, मिनिमम स्पैनिंग ट्री. ओके, नाउ लेट्स कंसिडर एन अनदर एग्जाम्पल. कुछ आपको ग्राफ इस तरीके से मिल लेंगे जिसमें आपके पास एक है ना लूप्स और पैरेलल एजेस बन रही होंगे. सो कभी कभी ग्राफ्स हमको कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं, इनको क्या कहते हैं हम, सेल्फ लूप ग्राफ. ओके, तो व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू इज, अगर आपको कुछ इस तरीके का मैं ग्राफ दूं और मैं बोलूं कि आपको इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाना है, सो फर्स्ट स्टेप इज टू यू आर गोइंग टू रिमूव ऑल लूप्स एंड पैरेलल एजेस फ्रॉम द गिवन ग्राफ. ये होता है मेरा लूप, इसको आप डिस्कार्ड कर दोगे. और पैरेलल एजेस क्या होती है, देखो ए सी बी पे 6 भी जा रहा है और ए सी बी पे आपका 9 भी जा रहा है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू कॉल दिस एज अ पैरेलल एजेस. अब आप पैरेलल एजेस वो वाली रिमूव करोगे जिसका वेट मैक्सिमम होगा, मिनिमम वाली वेट को आप इंक्लूड करा दोगे बट जिसका मैक्सिमम वेट होगा उसको आप डिस्कार्ड कर दोगे. सो यू आर गोइंग टू हैव अ ग्राफ समवट लाइक दिस. इस टाइप का आपको एक ग्राफ दिख जाएगा, ये वाला ग्राफ आपको दिख जाएगा. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू मेक अ स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस ग्राफ. ये आपको टास्क है, सो यू हैव टू क्रिएट अ स्पैनिंग ट्री ऑफ दिस ग्राफ. सो सबसे पहले तो यही होगा, वी आर गोइंग टू अरेंज ऑल द एजेस इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ वेट. सॉर्टेड ऑर्डर में हम इनको लिख देंगे. देन वी आर गोइंग टू एट द एज विच हैज द लीस्ट वेटेज. तो आपका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का आप ये. ओके, सो दिस इज माई मिनिमम स्पैनिंग ट्री, और यहाँ पर आप देख सकते हो कोई साइकिल वगैरह नहीं हो रही. ओके, अगर मैं आपको इसकी बोलूँ कि आप एजेस काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5. ओके, और लेट्स से अगर हम इसकी ऊपर चेक कर लेते हैं ग्राफ में, यहाँ पर आपके पास 9 नोड्स हैं इस वाले ग्राफ में. तो मैंने बोला कि अगर 9 नोड्स हैं तो आप मतलब इसके पास है 1, 2, 3, 4, 5, 6 नोड्स हैं इसके पास. तो 6 - 1 वी आर गोइंग टू हैव अ 5 एजेस, जो मतलब हमारा फाइनली एक मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनेगा. तो उसमें हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 5 एजेस. तो यहाँ पर आप देख लो वी हैव अ 5 एजेस, 1, 2, 3, 4, 5. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ अवर क्रूस्कल एल्गोरिथम.